यूएन मिशन में खिदमात की अंजाम दही के दौरान हवलदार मोहम्मद शफीक शहीद, नमाज जनाजा मियां चुन्नी में अदा कर दी गई। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। इलेक्शन कमीशन में फैसल वाउडा नाअहली केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमीशनर ने कहा, सवाल यही है कि कागजात नामजदगी के वक्त दौरी शहरियत थी या नहीं। फैसल वावड़ा बोले, मुझे किसी भी मुल्क की कागजी कार्रवाई कायम नहीं, पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था, शहरियत छोड़ने के सर्टिफिकेट का अब इल्म हुआ, अब लेने की कोशिश करूंगा। केस खारिज करने की इस्तदा, फैसल वावड़ा ने वकील की दस्तयाबी तक जनवरी की तारीख मांगी तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसको मजीद इल्तवा का शिकार नहीं होने देंगे। 23 दिसंबर तक समाअत मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमीशनर ने कहा, आइंदा समाअत पर कोई ना आया तो फैसला महफूज कर देंगे। कराची में एडवोकेट इरफान अली के कत्ल के खिलाफ मातहत अदालतों में वकला का एहतजाज। तमाम अदालती उमूर मुअत्तल, केसेस की समाअत मुअत्तल। कराची बार के वकला सिटी कोर्ट से प्रेस क्लब तक रैली निकालेंगे। लाहौर में डेंगू केसेस की तादाद 18,000 से बढ़ गई। 24 घंटों में एक मरीज इंतकाल कर गया। 125 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर के अस्पतालों में 470 मरीज जेरे इलाज है। रावलपिंडी में 11 नए केसेस। पख्तूनख्वा में केसेस में कमी। 24 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई। और FBR ने 2.5 साल बाद प्रॉपर्टीज की नई कीमतें मुकर्रर कर दी। जायदाद की कीमतों में 10 से 15% इजाफा। बाद शहरों में कीमत 100% बढ़ा दी गई। कराची के प्रॉपर्टी रेट्स में कोई रद्दबदल नहीं किया गया।